Hello everyone, in this video we are going to learn a very beautiful poem, Childhood by Marcus Natten. Before we start the discussion, I would like to tell you about the poem. Actually, in this poem, poet remembers where misses his childhood. उसका बचपन कब खो गया, कब वो बड़ा हो गया, उसे याद आती है अपने बचपन की, कितना इनोसेंट था वो, चीज़ें कितनी अच्छी लगती थी, और अब वो बड़ा होकर के कितनी दुनियादारी में बिजी हो गया, और वह समय कि कब मैं बड़ा हुआ, मेरा बचपन कब खोया, ही रिमेंबर्स इन दिस पोएम. ओके, एंड बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस होल पोएम इज इन रिफ्रेन. रिफ्रेन इज अ पोएटिक डिवाइस जिसमें किसी वर्ड्स किसी सेंटेंस या फ्रेज को या क्लॉज को बार बार रिपीट किया जाता है स्टैंजा में, उसको उस पर जोर देने के लिए, फॉर एम्फसाइजिंग द सेंटेंस और क्लॉज. ओके, सो दिस होल पोएम इज इन अ रिफ्रेन. द पोएट आस्क व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया, यानी मेरा बचपन कब खो गया. इट वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, क्या जब मैं 11 का हो गया या 12 में एंट्री कर गया, क्या तब मेरा बचपन गया, क्योंकि इस एज में बच्चों में थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी वो थोड़ा सोशल होने लगते हैं. तो पोएट इज आस्किंग, क्या वही समय था जब मैं 12 में एंट्री किया, मेरा 11 कंप्लीट हो गया, तब मैं अपना बचपन खो दिया. एंड और वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, या वह समय था जब मुझे यह एहसास हुआ कि हेल और हेवन यानी स्वर्ग और नर्क जैसी कोई जगह नहीं होती, क्योंकि हम उसे ज्योग्राफी में पा नहीं सकते, यानी वर्ल्ड मैप में कहीं भी हेल और हेवन ऐसा है ही नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना है, कहानियाँ थी जिसे वह सुनता था बचपन में. तो बच्चों को उनके पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा उनमें मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करने के लिए बताया जाता है कि अच्छा काम करता है तो वो ये स्वर्ग में जाता है, वो गॉड से मिलता है, जो बुरा काम करता है नर्क में जाता है. तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों के मन में होते हैं, लेकिन अब उसको एहसास हो चुका स्वर्ग और नर्क जैसी कोई जगह नहीं है. क्या यही वह समय था जब मैं अपना बचपन खो गया. ओके, और इसमें लेट्स सी पोएटिक डिवाइसेस. तो दीज टू एनाफोरा, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर स्टार्टिंग विद वॉज सेम वर्ड, तो दिस इज एनाफोरा. और एंटीथेसिस, बिकॉज टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज टूगेदर, हेल एंड हैवन, दिस इज एंटीथेसिस. ओके, एंड वी कैन सी एजोनेंस ऑल्सो हियर, आई साउंड इज डोमिनेटेड, आई सीज बी 11, आई साउंड इज डोमिनेटेड, दैट्स वाई इट इज एजोनेंस. ओके, एंड राइम स्कीम ए बी बी सी सी डी, गो 11 हेवन ज्योग्राफी बी एंड डे. सो पोएटिक डिवाइस क्या हो जाए, राइम स्कीम इसका ए बी बी सी सी एंड डी. ओके, नेक्स्ट, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, क्या यह वह समय था जब मुझे पता चला जो बड़े लोग हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे वो दिखते हैं या जैसे खुद को दिखाते हैं, वो वैसे नहीं हैं. दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीस्ट ऑफ लव, वे प्रेम की बातें करते हैं, स्नेह की बातें करते हैं, लेकिन बातें करते हैं और उनको सिखाते हैं, उपदेश देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन उस तरीके से खुद व्यवहार नहीं करते. यानी बच्चा देखता है कि उसके मम्मी पापा जो हैं या उसके टीचर्स, कोई भी जो उसको सिखाता है बच्चों को प्रेम से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, इज्जत से बात करनी चाहिए, लेकिन वो देखता है कि वही उसके पेरेंट्स या वही उसके टीचर्स या आसपास जिसको भी वो देखता है बड़े लोग, वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, पड़ोस पड़ोस में झगड़ा करते हैं, पेरेंट्स आपस में झगड़ा करते हैं. तो वो देखता है, अरे ये कैसे लोग हैं, मुझे तो सिखाते हैं कि प्रेम से रहो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, और खुद लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं. तो the poet asked, was this the day when he lost his childhood? क्या यही वह दिन था जब उसने अपना बचपन खो दिया? Okay, one very important poetic device is here. Enjambment. Enjambment क्या होता है? जब दो लाइन में एक ही
सेंटेंस। जैसे वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, यहाँ कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगा है। इन दिस टू लाइन्स देयर इज वन सेंटेंस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंजॉयमेंट। वॉट इज दिस इंजॉयमेंट? इंजॉयमेंट, ओके। एंड वॉज दैट द डे, तो क्या वही वह दिन था जब मैं अपना बचपन खो दिया? नेक्स्ट, वेन डिड माई चाइल्ड हुड गो? वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड टू यूज विच यूर वे आई चूज? क्या यही वह दिन था जब मैंने अपना बचपन खोया, जब मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा दिमाग सिर्फ मेरा ही है और मैं इसको जैसे चाहूँ यूज कर सकता हूँ? इट मीन्स पोएट सेज दैट वेन एवर आई वॉज एबल टू थिंक इन माई ओन वे, आई कुड यूज माई ओन लॉजिक, मैं अपने विवेक से कुछ सोच सकता था, कुछ तर्क कर सकता था, यानी जब मैं थोड़ा सा समझदार हो गया। तो क्या यही वह दिन था जब मैंने अपना बचपन खो दिया? प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माई एलोन, यानी क्या यही वह दिन था जब मैं खुद से सोचने लगा, अपनी बातें अपने विचार रखने लगा लोगों के सामने, ना कि दूसरे की बताई हुई बातों को कहता था जानता था? क्या यही वह दिन था जब मैं अपना बचपन खो दिया? ओके, यू कैन सी हियर इट इज थॉट्स दैट्स, दिस इज एलिट्रेशन, ओके। एंड इन दिस टू लाइन्स वी कैन सी इंजॉयमेंट ऑल्सो बिकॉज देर इज नो कॉमा और एनी पॉज, and in these two lines there is one sentence, okay. So enjoyment and in these two lines alliteration, okay, and here enjoyment, okay. Next and last stanza, where did my childhood go? Mera bachpan kab gaya? Ab यहाँ पे अर्लियर इन थ्री स्टैंजाज वी कुड सी दैट वेन वर्ड वॉज यूज्ड, तीनों स्टैंजाज में वेन वर्ड भी यूज हुआ था, बट यहाँ पे वेयर आ गया, दिस इज द ओनली डिफरेंस। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया? ओके, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, अब उसको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ रियलाइज हो रहा है कि मेरा अब तक वो कह रहा था कब गायब हो गया, समय की बात कर रहा था, अब पूछ रहा है गया तो कहाँ गया वो, तो वेयर डिड माई चाइल्ड गो, मेरा बचपन कहाँ गया? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये किसी ऐसी जगह पे गया है जिसको मैं भूल चुका हूँ। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, एंड दैट प्लेस, वो जगह जहाँ मेरा बचपन गया है जिसे मैं भूल चुका हूँ, वो जगह कहाँ पे है? हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, किसी छोटे से नवजात शिशु, किसी छोटे बच्चे के चेहरे में वो जगह खो गई है। दैट्स ऑल आई नो, और यही चीज़ है जो मुझे समझ में आती है, मेरा बचपन यहीं चला गया। कहने का मतलब, हम सभी जब किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, उसकी किलकारियाँ, उसकी शरारतें, उसके क्यूट एक्टिविटीज़, उसकी अट्रैक्टिव स्माइल देखते हैं, तो उसका इनोसेंट फेस देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता कभी हम भी ऐसे छोटे थे, हमें अपना बचपन याद आने लगता है। तो वही पोएट कह रहा है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, शायद ये किसी ऐसी जगह पे चला गया जिस जगह को मैं भूल चुका हूँ, और वो जगह कहाँ है? किसी छोटे बच्चे के चेहरे में है, और यही इतनी बात मुझे अपने बचपन के बारे में पता है। ओके, सो राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज ए बी बी एंड ए, गो नो प्लेस एंड फेस, ओके, राइम स्कीम। एंड वी कैन सी हियर एनाफोरा बिकॉज दीज टू लाइन्स आर स्टार्टिंग विद सेम वर्ड्स, दैट्स एंड दैट्स। सो हियर एनाफोरा, एनाफोरा एंड राइम स्कीम ए बी बी एंड ए। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे, थैंक यू।